परम मंगलमय जगदीश्वर जगदाधार भगवान श्री नारायण के दिव्य स्वरूप को वंदन करते हुए परमात्मा की अनुकंपा परमात्मा की कृपा परमात्मा के आशीर्वाद को अनुभव करें। परमात्मा की परम कृपा हम सभी के ऊपर श्रीमद् भागवत जी के दिव्य कथा को श्रवण करने का यह सुंदर सुअवसर हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाओं को विगत 6 दिवसों से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस। परमात्मा की कथाएं भक्तों को आनंद देने वाली सभी के ताप पाप संताप को नष्ट करने वाली होती हैं। राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवन मोरि पठाई भृत्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी। हृदय के सभी ग्रंथियों को नष्ट करने वाले हृदय की जितनी भी शंकाएं सभी शंकाओं का समाधान करने वाले और जीवन में परमात्मा का अनुभव कराने वाली भगवान के दिव्य चरित्रों का भगवान की दिव्य कथाओं का रसपान हम सभी लोग कर रहे हैं। तब ही होए सब सब तब ही होए सब संशय भंगा जब बहुकाल करिय सतसंगा। परमात्मा के कथाओं को नित्य निरंतर जीवन में उतारें और एक समय फिर ऐसा आएगा कि जब हम कथाओं के बगैर नहीं रह पाएंगे। जीवन के जितने भी संशय हैं जितने भी शंकाएं हैं प्रत्येक शंका का समाधान और हर प्राणी में उस परमात्मा की दिव्य स्वरूप का दर्शन जब होने लग जाए समझ लेना कि परमात्मा की परम कृपा हम सभी के ऊपर होने लगी है। परमात्मा के मार्ग पर हम सभी चलने लगे हैं। कल की कथा में हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य चरित्रों का रसपान किया। भागवत की प्रमुख कथा रास पंचाध्याय का यथाधीतम यथामति यथाशक्ति श्रवण किया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती रुक्मणी के सुंदर विवाह की चर्चा को हम सभी ने श्रवण किया। माँ भगवती रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुना और सुन करके उनके चरणों परमात्मा के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। कथाओं को सुन करके जीव अपने स्वरूप को पहचानता है। हम कौन हैं? क्यों इस संसार में आए हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जब तक कथाओं को सुनेंगे नहीं तब तक अपने जीवन के लक्ष्य को अपने जीवन को हम पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए नवधा भक्ति, भक्ति कहते हैं प्रेम के लिए, भगवान से जो प्रेम किया जाता है वह 9 प्रकार से किया जाता है। श्री प्रह्लाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, पहले सुनो। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उसको जानेंगे नहीं, तब तक उसको पहचानेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले सुनना,
और रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को सुनो सबसे पहले। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करें। सत्संग में जाकर के होगा क्या, जब संतों के साथ बैठेंगे, अच्छे सज्जनों के साथ बैठेंगे, सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठेंगे, तो उनके साथ बैठकर परमात्मा के दिव्य चरित्रों का रसपान करने को मिलेगा, परमात्मा की कथाओं श्रवण करने के लिए मिलेंगी, और उससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानेंगे, उस परमात्मा से हमारी प्रीति होगी, उसके चरणों में हमारा प्रेम होगा। सुन करके जब कथा को सुनेंगे तो फिर अपने मुख से गाएंगे, तो श्रवण पहले सुनो और फिर उसका कीर्तन करो। और यहां प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथाएं हों वहां पर जाएं, कथाओं को सुने, उनको गाएं। लेकिन रास्ता भक्ति का शुरू होता है सुनने से, और यही बात माँ भगवती रुक्मिणी जी ने कही है कि मैंने आज तक आपको देखा नहीं, केवल आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते, निर्विश्य करण विवरे हरतोंगतापम। आपकी कथाएं समस्त पाप ताप संताप को नष्ट करने वाली है। ऋषि मुनियों से हमने आपकी कथाओं को सुना है, और सुना है कि आपके बराबर सुंदर और आपके बराबर दयावान संसार में कोई नहीं, इसलिए अपने जीवन को अपना सर्वस्व हमने आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। जब तुम संसार के साधारण धर्मों को छोड़कर परम धर्म का आश्रय ग्रहण करते हो, अर्थात मेरी चरण शरण को ग्रहण करते हो, तो मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़ करके आता हूँ। जहां रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया, वहीं भगवान श्री कृष्ण अपने रथ में बैठकर माँ भगवती रुक्मिणी के पास स्वयं दौड़े चले आए। माँ भगवती रुक्मिणी को कुंडनपुर से उठाकर लेकर के गए हैं द्वारिका में, और जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती रुक्मिणी का सुंदर विवाह करवाया है। कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारकायाम अभूत राजन महामोदपुर कसाम, रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। बहुत आनंद मनाया गया, बहुत सुंदर विवाह की चर्चा। श्री सूत जी महाराज शौनका दृश्यों को श्रवण करा रहे हैं, श्री शुकदेव महामुनि राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी को कथा सुना रहे हैं, सनका दृषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं, और हम सभी यहाँ पर परमात्मा की इस दिव्य चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। आए ब्याही राम घर जब ते, बसए आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयो छाहु। प्रभु विवाह जस भय उछाहु, सकहि न बरनी गिरा अहिना,
सकहिना बरने गिरा अहिना। जो सुंदर आनंद भगवान श्री कृष्ण के विवाह में आया है, कहते हैं कि उस विवाह का जो वर्णन है अपने हजारों मुख से श्री शेष भगवान भी नहीं कर सकते हैं। श्री शुकदेव महामुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित प्रत्येक दिवस आनंद में बीतते हुए और एक समय आया जब भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती की रुक्मणी के घर में एक बालक ने जन्म लिया है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राकृत्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रतिपद्यतः। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था, कामस्तु वासुदेवांशः, रासलीला से पहले जब कामदेव और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की नींव रखी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा हारने वाले का क्या होगा, कामदेव ने कह दिया, बोले हारने वाला दूसरे का बेटा बनेगा। रासलीला में जब कामदेव भगवान श्री कृष्ण से हार गए तो आज पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के घर में, कृष्ण कन्हैया लाल के। इसी समय एक राक्षस है, इसका नाम है शंबरासुर। शंबरासुर ने वरदान प्राप्त किया था कि केवल भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। नित्य हम कथाएं सुनते हैं महाराज, अनेकों राक्षसों ने देव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और अजर अमर बनने के लिए अनेकों प्रकार से तपस्याएं की हैं। हिरण्यकश्यपु की कथा को सुना, हिरण्यकश्यपु ने भी बहुत तपस्या की और वरदान में अमरत्व मांगा कि हम अमर हो जाएं। लेकिन संत कहते हैं कि भैया जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो संसार में आ गया उसका जाना निश्चित है और बहाना तैयार है, बिना बहाने के कोई जाता नहीं, स्वयं लेने के लिए वो कभी किसी को आता नहीं और कोई ना कोई बहाना अवश्य बनाता है। एक बार देवताओं की एक सभा हो रही थी, उस सभा में सभी देवी देवता अंदर जा रहे थे। दरवाजे पर था एक कबूतर बैठा हुआ, दरवाजे पर